हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट न्यूज़ की बात करने वाले हैं, जो कि अपने एमएमए कम्युनिटी में निकल के आई है पिछले कुछ दिनों में, जिसमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी फाइट न्यूज़ है जिसका हम सबको बहुत टाइम से इंतजार था। मेरे को पर्सनली, मैंने इस पर 3-4 वीडियोज़ बनाई थी और वो है उमर नुर्मागोमेडोव की फाइट न्यूज़। उमर नुर्मागोमेडोव यूएफसी के बैंटमवेट डिवीजन का एक ऐसा फाइटर था जिससे कोई भी फाइट करने को मानने के लिए रेडी नहीं था। इनफैक्ट डेना वाइट ने भी अनाउंसमेंट वीडियो में यही बताया कि उमर नुर्मागोमेडोव से कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था। और यहां पर यूएफसी के जो बैंटमवेट डिवीजन के ही टॉप कंटेंडर कोरी सैंडहेगन ने एक्सेप्ट करी है उमर नुर्मागोमेडोव की अगेंस्ट फाइट। तो देखिए, यहां पर हमें कोरी सैंडहेगन, आपको पसंद हो या ना हो, आपको उसकी यहां पर दाद देनी पड़ेगी, उसकी यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर देख सकते हैं, अगर कोरी सैंडहेगन यहां पर चाहता तो नहीं भी कर सकता था यहां पर फाइट, क्योंकि उसने अभी मार्लोन वेरा को हराया था और वो शॉन ओ'मैली और बाकी सारे कंटेंडर्स जैसा सिट आउट कर सकता था टाइटल शॉट या अपने रैंकिंग से ऊपर फाइट करने के लिए। बट उसने यहां पर एक पॉइंट प्रूव करने के लिए उमर नुर्मागोमेडोव से फाइट ली है और उमर नुर्मागोमेडोव के लिए भी एक काफी अच्छा अपोनेंट है उनको सीधा जंप इन कराने के लिए टॉप 5 में। और साथ ही साथ एक ऐसा अपोनेंट है कोरी सैंडहेगन, जिनके साथ अगर उमर नुर्मागोमेडोव फाइट करते हैं और एक अच्छी विक्ट्री निकालते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे यूएफसी के बैंटमवेट डिवीजन में। ये फाइट की न्यूज तो काफी टाइम से ही आ रही थी, आप सबने भी मुझे बोला था कि ये फाइट की न्यूज आ गई, इसके ऊपर आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि ऑफिशियल कंफर्मेशन कब से आएगा। देखिए, फाइट की बातें और फाइट की जो नेगोशिएशंस होती हैं वो काफी टाइम पहले से स्टार्ट हो जाती है। इस चीज का मेरे को भी न्यूज था कि कोरी सैंडहेगन ने सामने से अपना नाम रखा है उमर नुर्मागोमेडोव से फाइट करने के लिए, बट ये चीजें मटेरियलाइज हो जाती इसलिए मैं उसका वेट कर रहा था उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो अभी ये सब कुछ बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, तो ये फाइट होने वाली है। इसका डेट आपको बताऊं तो August 6th को आप इंडिया के अंदर देख सकते हो, एक फाइट नाइट इवेंट में आपको देखने को मिलेगा। ये कोई यूएफसी का पेपर व्यू इवेंट या नंबर्ड इवेंट जैसे यूएफसी 289 उसमें नहीं होगा, यूएफसी के फाइट नाइट में August 6th को देखने को मिलेगा हमको सुबह सुबह। बाकी भाइयों, इस फाइट के ऊपर जो एनालिसिस होगी, इसका प्रेडिक्शन वीडियो होगा जब फाइट क्लोज आएगी और भी सारी डिटेल्स पता चलेगी उमर नुर्मागोमेडोव और कोरी सैंडहेगन के फाइट कैंप के बारे में, उसके बाद इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो और इन डेप्थ प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ हम करेंगे यहां पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है यहां पर। तो भाइयों, ये तरह कोरी सैंडहेगन की फाइट की न्यूज, और ये फाइट आपको देखने को मिलेगी August 6th को। लेकिन कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट हो रही होगी, और इनफैक्ट एक फाइट नहीं, कल दो ऐसी फाइट्स है जो कि आप सबको देखनी चाहिए, और वो यूएफसी की फाइट्स नहीं है, वो बेलेटोर की फाइट्स है। बेलेटोर, अगर आपको नहीं पता, तो यूएफसी के बाद जो एमएमए का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो है बेलेटोर, और यहां पर दो बहुत बड़ी फाइट्स होने वाली है जो कि आप सबको देखनी चाहिए। पहली फाइट है यहां पर यूएल रेमेरो वर्सेस वादिम नेमकोव। अगर आपको यूएल रेमेरो याद होगा तो ये यूएफसी के ही मिडलवेट डिवीजन में फाइट करते थे, और यूएल रेमेरो को यहां पर जाना जाता है उनके पावर के लिए, उनकी रुथलेसनेस के लिए। उनकी फाइट्स देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप अच्छी स्ट्राइकिंग देखना पसंद करते हैं, एकदम रफ एंड टफ स्ट्राइकर्स देखना पसंद करते हैं फाइट में, तो डेफिनेटली आपको यूएल रेमेरो की फाइट देखनी चाहिए। और ये फाइट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो यूएफसी से हैं, वो बहुत हैवी स्ट्राइकर ये सब नहीं, उनकी एज यहां पर आप देखोगे तो 46 ईयर्स हो चुकी है यूएल रेमेरो की, और वो अभी भी फाइट कर रहे हैं और हाई कैलिबर चैंपियनशिप लेवल पर फाइट कर रहे हैं। हालांकि यूएफसी में फाइट नहीं कर रहे हैं, बेलेटोर में फाइट कर रहे हैं, बट स्टिल 46 ईयर्स की एज पे लाइट हैवीवेट डिवीजन में चैंपियन को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। इसी टाइम पे अगर आप यूएल रेमेरो की फिजिक को देखोगे तो आप सब बोलोगे कि ये बंदा कोई 25 से 30 साल का बॉडी बिल्डर को भी फेल कर देगा। इस बंदे की फिजिक इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा मैग्निफिसेंट फिजिक है, और जेनेटिक्स इसके इतने स्ट्रांग है, तो देखने वाली बात होगी कि कल ये वापस से लाइट हैवीवेट का टाइटल जीत पाते हैं वादिम नेमकोव के अगेंस्ट की नहीं, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। अगर आपको ब्रॉलिंग, आपको हैवी स्ट्राइकिंग देखना पसंद है तो आप इनकी फाइट को जरूर से देखिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली फाइट की तरफ, जो कि भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब मेरे से पिछले कुछ टाइम से ये पूछ रहे थे कि ट्रिपल डिवीजन चैंपियन कौन बन सकता है यूएफसी के अंदर, यूएफसी में कौन सा ऐसा फाइटर है जो ट्रिपल चैंपियन बनने का कैपेबिलिटीज रखता है। तो देखिए, यहां पर यूएफसी की बात तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बट बेलेटोर में यहां पर एक चीज रियलिटी हो सकती है ट्रिपल चैंपियन की। पैट्रिसियो पिटबुल जो है यहां पर बेलेटोर के जो फेदर वेट चैंपियन और फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन, वो यहां पर ड्रॉप डाउन कर रहे हैं लाइट वेट से फेदर वेट, और फेदर वेट से अब ड्रॉप डाउन कर रहे हैं बैंटम वेट में एंथनी पेटिस के भाई को चैलेंज करने के लिए, सर्जियो पेटिस को। तो भाइयों, आप समझ सकते हो कि पैट्रिसियो पिटबुल के पास कितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज है। उस बंदे ने लाइट वेट डिवीजन को वहां पे चैंपियन बना, और सिर्फ चैंपियन नहीं, वहां पे उसने लाइट वेट डिवीजन को एक टाइप से डोमिनेट करा था बेलेटोर के। आप सब समझ सकते हो, इससे इसका एग्जाम्पल दूं तो जो अभी यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते हैं माइकल चैंडलर, वो वहां पर लाइट वेट चैंपियन थे, और माइकल चैंडलर को ही नॉकआउट करके पैट्रिसियो पिटबुल ने वहां पर चैंपियनशिप जीती थी लाइट वेट डिवीजन की। और उसके बाद
अब यहाँ पर उन्होंने फिर ड्रॉप डाउन करा, फेदर वेट के चैंपियन तो पहले से ही थे और अब उन्होंने फेदर वेट से भी ड्रॉप डाउन कर लिया है बैंटम वेट में। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि अगर वो यहाँ पर कल अपनी फाइट जीतती हैं सर्जियो पेटिस के अगेंस्ट, तो एमएमए के अंदर ये एक फर्स्ट ऐसे फाइटर होने वाले हैं जिन्होंने 3 वेट डिवीजन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। भले ये यूएफसी लेवल का कैलिबर नहीं होता है बेलेटोर के फाइटर्स का, बट फिर भी ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट अचीवमेंट होगी उनकी पोर्टफोलियो के लिए। तो भाइयों अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ यहाँ पर दोनों फाइटर्स के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से योएल रोमेरो यहाँ पर फाइट जीतेंगे और जो मेन को मेन इवेंट में फाइट होने वाली है सर्जियो पेटिस वर्सेज पेट्रिसियो पिटबुल, तो इसमें मैं सर्जियो पेटिस के साथ जाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही वेट कट कर लिया है यहाँ पर पेट्रिसियो पिटबुल ने बैंटम वेट जाने के लिए, और उसके कारण यूजुअली फाइटर्स की चिन बहुत वीक हो जाती है। मैंने देखा है जो ज़्यादा वेट कट करने के कारण फाइटर्स की चिन वीक हो जाती है और वो नॉकडाउन और नॉकआउट के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर पिक्स होने वाले हैं योएल रोमेरो और यहाँ पर सर्जियो पेटिस। तो अब आप सब अगर ये बेलेटोर का इवेंट देखने वाले हैं बेलेटोर 297, तो अपने यहाँ पर प्रेडिक्शन ज़रूर से नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।